और भी तीन चार तो सेट सब लेवल वाले आप लोग को देखने मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसमें आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसमें आप लोग देख सकता है फिबोनाची का लेवल, तो इसमें और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप लोग को इसका फायदा उठा सके। और ये जो बाय सेल लेवल कम स्किनार बनाता हूँ बाय सेल, अच्छा ये निफ्टी बैंक निफ्टी का आप लोग इन द मिनट आप लोग ये देख ले सकता है, नोट कर सकता है। और ये जो मैंने बाय सेल लेवल कम स्किनार बनाता हूँ, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर का लेवल है, निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडेक्स का लेवल है। आप लोग इसका लेवल्स देख सकता है, ये आप लोग देख सकता है एंट्री पॉइंट टारगेट स्टॉप लॉस, ये फ्यूचर्स का है, ये दोनों फ्यूचर्स का है, ये दोनों इंडेक्स का है, ये आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। तो मैंने जो बाय सेल लेवल कम स्किनर बनाया, ये मैंने बाय सेल लेवल कम स्किनर बनाया और उसका थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो उस इसका कैसे इसमें क्या क्या है, कैसे स्किनिंग करना है, ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ये आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो आप लोग को जानकारी मिल जाएगा, और इसको मैंने आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और इसके अलावा इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। इसका व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप ज्वाइन होने का लिंक दिया जाएगा फ्री ट्रायल के लिए, और इसका डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को उधर मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग को अच्छी तरह से पता चल जाएगा ये बाय सेल लेवल कम स्किनर में इतना सारा चीज़ है कि आप लोग इसमें आसानी से स्टॉक्स या बैंक निफ्टी का लेवल चुन के स्टॉक मार्केट में बहुत ही आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसका आप लोग देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये देखिए निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन किया हूँ, तो इधर ये पहले इतना हाई गया था, इसके बाद ये लो आ रहा है। तो इधर आप जो मैंने सब इधर से मैंने फिबोनाची लेवल को ड्रॉ किया है, तो इधर देखिए इधर इसको ऊपर जाने के लिए ऑलमोस्ट 800 के आसपास जाना पड़ेगा। पहले तो 782 का लेवल, उसके बाद 800 का ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद 887, उसके बाद 965, उसके बाद 12,100 के ऊपर जा सकता है। और नीचे जो मैंने कंसीडर करूँगा तो इधर देखिए पहले इसका इधर तो सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी, इधर तक आ चुका है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 12,542 में इसका सपोर्ट है, इसके बाद ये 12,495 तक आ सकता है, इसके बाद ये 11,281 या इसके बाद 11,107 तोड़ेगा तो ये बहुत ही नीचे आ सकता है, 10,900 के आसपास आ सकता है। और इधर जो RSI का जो वैल्यू दिखा रहा है, तो RSI भी 30 के आसपास आने का कोशिश कर रहा है, 40 का नीचे आ गया है, तो और भी नीचे आने का प्रॉबिलिटी है। और निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल देखो कि इधर ये इसका लास्ट ये तो 538 में ये सपोर्ट लिया है, इधर और कोई नया कुछ वॉल्यूम कैंडल तैयार नहीं हुआ है, तो इसीलिए लगता है कि ये तोड़ेगा तो इसका इस लेवल को 538 का लेवल तोड़ेगा तो तब भी ये और भी नीचे जा सकता है, नहीं तो इधर इधर जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का था ये इसका ऊपर जाने का कोशिश करेगा 12,670, इसके बाद 12,679, ये इधर 12,755 और इसके बाद 800 का ऊपर जा सकता है, 800 का ऊपर इसका जाने का पड़ेगा, नहीं तो वॉल्यूम प्रोफाइल का और भी नीचे बनेगा तो और भी नीचे जा सकता है। और ये भी RSI का नीचे है तो नीचे जाने का प्रॉबिलिटी लगता है, 30 का नीचे आके फिर से ऊपर जा सकता है। और इधर बैंक निफ्टी को दिखाऊंगा तो निफ्टी
को दिखाऊंगा तो निफ्टी बैंक में भी ऐसा है कि ऊपर इधर पहले 38 500 का ऊपर 500 का ऊपर इसका 593 के ऊपर ये जा सकता है। जाने के बाद ये 3400 तक जा सकता है। इसके बाद 3100 के आसपास आ सकता है। और नीचे का लेवल देखने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। इधर देखिए ये इधर से जो ट्रेंड लिया है इधर का जो पहले इस लेवल पे ये सपोर्ट लिया है उसके बाद इस लेवल तक मानो 29,580 के आसपास आ सकता है। 191 उसके बाद 28,914 28,937 या 930 पकड़ सकता है। उसके बाद 891 के नीचे जाएगा तो ये 29,730 इसके बाद 28,340 तक आ सकता है। 28,340 तक आ सकता है। इसका भी RSI नीचे आएगा नीचे आए उसका भी RSI नीचे है। इसका थोड़ा सा ये भी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। इसका मैग्नेटिक फ्यूचर्स का देखूंगा तो मैग्नेटिक फ्यूचर्स का दिखाऊंगा तो 29,966 के नीचे जाना जाएगा। उसका 29,843 के जाएगा। उसका 730 तक आ सकता है। और ये भी नीचे भी नीचे इसका दिखा रहा है। और इधर ऑप्शन चेन दिखाऊंगा तो ऑप्शन चेन को एनालिसिस करूंगा दोस्तों जाएगा। अब लोग जो फिबोनाची का लेवल दिखाया वो लेवल अब लोग जरूर दिखेगा क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो लेवल पे काम करने का लिए सुविधा होता है। और निफ्टी देखिए 5 मार्च मैंने लगाया है। 5 मार्च लगाया है तो इधर 11,700 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड में इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है इधर इधर जो चेंज इतना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। और इधर कॉल साइड इधर पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। और इधर चेंज इन ज़्यादा साइड में वोलेटिलिटी थोड़ा फॉर्म है मतलब कॉल शॉर्टिंग करने का पुट लॉन्ग करने का जिन्हें इसका वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहे। इंटरेस्ट इस बार सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है पॉजिटिव है। और नेट चेंज इन प्राइस वो भी पॉजिटिव है। तो इधर आप लोग को लॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जितना हुआ है और इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो और इधर वोलेटिलिटी भी ज़्यादा दिख रहा है। तो नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। और इधर PCR रेशियो 0.74 है मतलब 0.75 1 के 1 के 1 1 तक ये साइडवेज मूवमेंट देगा।